नमस्कार विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंडरी की मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। तो अपन पढ़ेंगे डायनेमिक्स, जो अपने सिलेबस में पेपर थर्ड है। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो इसको बोलते हैं अरिये या अनुप्रस्थ वेग। तो अरिये या अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, यानी जब कोई कण किसी वक्र के अनुदिश गतिमान होता है ना, तो किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा अर्थात उसकी लंबवत दिशा में कण के वेग के जो वियोजित भाग होते हैं वो उसको अरिये या अरिये एवं अनुप्रस्थ वेग कहते हैं। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट में ये इनिशियल लाइन इसको प्रारंभिक रेखा बोलते हैं और इसको बोलते हैं रेडियल लाइन, और ये कोण थीटा, और इस पर कोई बिंदु पी है उसके निर्देशांक हो जाते हैं पी आर थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर इनिशियल लाइन के साथ बनाएगा कोण को थीटा। ये पोलर कोऑर्डिनेट में होते हैं, ठीक है। तो अपन इसको इसका डेरिवेशन देखेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज का। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये इनिशियल लाइन है, और इनिशियल लाइन ये कोई कर्व है, ये वक्र है, कोई वक्र दे रखा है, और इस पर पी पॉइंट है कोई, इसके निर्देशांक है आर और थीटा, और डेल्टा टी समय अंतराल बाद ये कण है वो क्यू पर पहुंच जाता है। देखो माना किसी वक्र के अंदर गतिमान कोई कण टी समय पर बिंदु पी आर टी समय पर बिंदु आर और थीटा पर है, तथा डेल्टा टी यानी टी प्लस डेल्टा टी समय पर बिंदु क्यू पर पहुँच जाता है, तो क्यू के निर्देशांक हो जाते हैं आर प्लस डेल्टा आर और थीटा प्लस डेल्टा थीटा, जहाँ थीटा है बहुत छोटा है। अब डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी तथा ओपी के लंबवत कण के विस्थापन के क्रमशः, अब डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के लंबवत ओपी तथा ओपी के लंबवत कण के विस्थापन क्या क्या है। देखो ओपी के अनुदिश विस्थापन क्या है पीएम, और ओपी के लंबवत विस्थापन है ये रहा, ओपी के लंबवत विस्थापन क्या है ये, ओपी के अनुदिश तो है ये पीएम, और ओपी के लंबवत है एमक्यू, ठीक है, ये विस्थापन है। इसके अपने को वो निकालने हैं वियोजित भाग। अब यदि पी पर ध्रुवांतर रेखा ओपी तथा ओपी के लंबवत दिशा में कण के वेग यू तथा वी है, इसने मान लिया कि ओपी के अनुदिश तो वेग है, ओपी की दिशा में ध्रुवांतर रेखा ये रही, ओपी ध्रुवांतर रेखा है, इसकी अनुदिश दिशा में वेग यू है और इसके लंब दिशा में वेग वी है, इसको बोलेंगे अरिये वेग, इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ वेग। तो सबसे पहले यू निकाल देते हैं, यू क्या है, यू क्या होगा, यू इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश विस्थापन अपॉन डेल्टा टी समय, तो ओपी के अनुदिश विस्थापन कितना है पीएम अपॉन डेल्टा टी। अब पीएम क्या होगा, पीएम क्या हो गया, पीएम हो गया आर प्लस डेल्टा आर कोस ऑफ डेल्टा थीटा, इसके अनुदिश से वो घटक आर प्लस डेल्टा आर कोस ऑफ डेल्टा थीटा, माइनस ये आर घटा दिया तो पीएम आ गया, ठीक है। अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर प्लस डेल्टा आर, अब कोस ऑफ डेल्टा थीटा उसको प्रसार कर दिया हमने वन माइनस डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर अपन टू का फैक्टोरियल डेल्टा थीटा की पावर फोर अपन फोर का फैक्टोरियल डो डो माइनस आर अपन डेल्टा टी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो क्योंकि डेल्टा थीटा है वो बहुत छोटी संख्या है, तो डेल्टा थीटा जब छोटा होता है तो कोस ऑफ डेल्टा थीटा कितना होता है, क्योंकि डेल्टा थीटा है उसके जो सेकेंड पावर है उससे ज़्यादा जो पावर है उसको अपन नगण्य मान के छोड़ देते हैं, तो डेल्टा थीटा कितना हो जाता है, कोस ऑफ डेल्टा थीटा वन हो जाता है, और साइन ऑफ डेल्टा थीटा कितना हो जाता है, डेल्टा थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे अपने लिमिट डेल्टा थीटा से जीरो आर टू डेल्टा आर वन लिख दिया, डेल्टा थीटा की पावर को छोड़ दिया माइनस आर अपॉन, अब लिमिट डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, आर से आर कैंसिल हो गया तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या बन गया, अरे ये क्या बन गया डी आर अपॉन डी टी, यानी आर डॉट, इसको अपन आर डॉट बोलते हैं। तो किसी
कण का जो वेग होता है, वेग क्या होगा, आरियो वेग क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी। इसी प्रकार अब अनुप्रस्थ वेग की बात करेंगे, वी। अब अनुप्रस्थ वेग में अंतराल डेल्टा टी में ओपी के लंबवत विस्थापन कितना होगा, विस्थापन यहाँ ओपी के लंबवत विस्थापन है क्यू इंटू एम, क्यू एम की वैल्यू निकाली अपने को, तो क्यू एम क्या होगा साइन थीटा, डेल्टा आर साइन थीटा विस्थापन है ना, विस्थापन रूप कितना है आर प्लस डेल्टा, तो बेटा क्या हो गया साइन डेल्टा थीटा। इसी प्रकार साइन थीटा का दिया, साइन थीटा का क्या होता है साइन एक्स, क्या होता है एक्स माइनस एक्स की पावर तीन अपॉन ट्रिपल तीन प्लस एक्स की पावर पाँच अपॉन ट्रिपल पाँच प्लस दो दो टोटल टेन। अब इसमें थीटा बहुत न्यून है, तो ये थीटा की तीन के पावर के बाद में जो भी डेल्टा थीटा की जो पावर्स है उसको हमने छोड़ दिया, तो आर प्लस डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा टी। अब इसको लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो इसको ओपन कर लिया, तो आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी डेल्टा थीटा, क्योंकि डेल्टा टी जब जीरो की ओर अग्रसर है, क्योंकि लिमिट डेल्टा टेंस जीरो है तो डेल्टा थीटा क्या होगा जीरो होगा, तो ये थीटा आ गई, ये टर्म जीरो आ गई, फिर लिमिट डेल्टा टेंस जीरो आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी प्लस जीरो, तो ये क्या बन गया वी इक्वल टू आ गया अपने पास आर डी थीटा बाई डी टी। तो ये याद रखना ये क्या होता है अनुप्रस्थ वेग। तो अपन ने क्या निकाल लिया अरे ये वेग क्या हो गया, अरे ये वेग यू इक्वल टू आर डॉट और वी इक्वल टू क्या आ गया अनुप्रस्थ वेग क्या हो गया आर थीटा डॉट, थीटा डॉट मतलब डी थीटा बाई डी। तो ये अपने अरे और अनुप्रस्थ वेग है। धन्यवाद।